ये 6 सवाल दिए मैंने तुम लोगों को, यही 6 सवाल अपने को डिस्कस करने हैं। तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं। ये सवाल नोट कर चुके हो तुम लोग, ठीक है? ध्यान से देख लो इसका जनरल टर्म क्या होगा। मैं क्योंकि इसका जनरल टर्म लिखूंगा सबसे पहले, तो इस क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे अभी कराया टाइप 7 है, तो ऊपर में 1³, 2³, 3³ तीसरे टर्म में, तो आर्थ टर्म में क्या आएगा, 1³, 2³, 3³, 4³ डॉट 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 आर क्यूब। देखो लिख रहा है यहाँ पे इसका जनरल टर्म टी आर्थ टर्म, ऐसे छोटा सा लिख देता हूँ, 1³, 2³ डॉट 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 आर क्यूब। और नीचे क्या आएगा, नीचे मुझे पता नहीं क्या आएगा, मैं बस लिख देता हूँ 1+3+5 डॉट डॉट डॉट। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे नीचे में भी, आर। अरे पहले में एक टर्म था, दूसरे में दो टर्म था, तीसरे में तीन टर्म था, तो आर में आर टर्म होंगे। लास्ट वाले टर्म का करना क्या है, क्योंकि वैसे भी अपने को इसका भी सम लिखना है, तो मैं ऊपर वाले का सम पता है मुझे, आर आर प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन नीचे वाले का सम निकाल लो। कैसे, सम के फॉर्मूले से, एपी के आर बाई टू, 2a+n-1d, तो वो आ जाएगा आर स्क्वायर। मैंने तुम लोगों को पहले भी लिखा दिया है, ये कट के आ जाएगा आर प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर प्लस वन प्लस 2r/4। इसका जनरल टर्म ये मिल गया मुझे, अगर मुझे इसका जनरल टर्म ये मिल गया और मुझे सम निकालना है, तो सम निकालना तो फिर बहुत इजी हो गया। Sn इज इक्वल टू समेशन टी आर, समेशन 1/4 बाहर आएगा, आर स्क्वायर प्लस 2r+1, समेशन अलग करके तुम आंसर इसका आराम से निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूं मैं, क्वेश्चन हम फटाफट ही बताऊंगा यार। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको 0 से लेके इन्फिनिटी तक रखनी है वैल्यूज, तो मैं रख के इसको देख लेता हूँ बन क्या रहा है। 1 0 रखने पे, 1 रखने पे 1/(k+1), 1/(k+1) का होल स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक सारे टर्म्स आएंगे, ठीक है? ये क्या है, ये तुम लोगों को देखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं जीपी, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला a/(1 - r), यहां से एस के निकालोगे तो वो बन जाएगा k+1/k, ठीक है? उसको उठा के यहां डाल देना एसके की जगह पे, k+1/k, यहां से k और k कट जाएगा, समेशन k प्लस समेशन 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी तुम लोग निकाल सकते हो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है? यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है कि टी आर विद द आर्थ टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -1/2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1, तो वो एपी का आर्थ टर्म लिख लेता हूं। टी आर इज इक्वल टू आएगा a+r-1 × d, यहां से आ गया r-3/2 टी आर। कर लो यार, अब क्या बताऊं इसमें, अब ये टी आर की जगह पे रखो r-3/2, टी आर प्लस वन क्या होगा, आर की जगह क्या रख दोगे, r+1, तो वो आएगा r-1/2। करके देखो यहां पे आर की जगह क्या रखोगे, टी आर प्लस टू निकालने के लिए r+2, तो वो आएगा r+1/2। और जैसे ही r+3 निकालोगे तो आर की जगह क्या रखोगे, r+3, तो वो आ जाएगा r+3/2, 1 + इस पूरे का अंडर रूट। ये तुमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये तो समझ में आना ही चाहिए। ये सिंप्लीफाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, r²-1/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, r²-9/4। पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो होल स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट कट जाएगा, अंडर रूट कटते ही समेशन के अंदर क्या आएगा, शायद ये आएगा r²-5/4, शायद, है ना? करके देखो ना इसको सिंप्लीफाई, r²-5/4 बन जाएगा कट के, फिर वही समेशन अलग करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है? करके दिखाऊं क्या, कर लेना यार खुद से मल्टीप्लाई कर लेना, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं बस। नेक्स्ट ये वाला सवाल है, ठीक है? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। तो जनरल टर्म लिखने के लिए नीचे वाले का तो जनरल टर्म लिखना आसान है, आर में आर क्यूब तक आएगा। ऊपर में प्रॉब्लम क्या है, ऊपर का सीरीज नहीं समझ में आ रही है। ऊपर वाली सीरीज पढ़ाई है टाइप 1 या टाइप 2 में, 2, 6, 4 का गैप, 6, 12, 6 का गैप, मेरे को एक और टर्म लिख देना चाहिए था, पर ठीक है, ठीक है? ये उससे तुम लिख सकते हो जनरल टर्म, मान के टी एन इज इक्वल टू an² + bn + c, उसमें 1 पुट करोगे 2, वो याद होगा तुमको, ठीक है? नहीं तो इसमें एक तरीका मेरे को बताया अभी कर रहे थे, तो इस ऊपर में से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 3, ये बनेगा 6। ये 3 को लिख सकते हो तुम 1+2, ये 6 को लिख सकते हो तुम 1+2+3। देखो कितना अच्छा दिखने लग गया अभी,
ठीक है, आराम से इसका जनरल टर्म लिख दो, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो और सबमिशन अलग कर लो, और फिर तुमको टाइप 5 या टाइप 6 कौन सा था डिनोमिनेटर वाला वो लगाना पड़ेगा, वो लगा सकते हो तुम लोग। ठीक है, इसके लिए अगर तुम लोगों को रिजल्ट याद नहीं है जो मैंने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1 में पढ़ाया, तो ये कभी नहीं बन सकता है, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, आर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। अब तुम अगर नीचे वाला याद करोगे तो इसको मैंने कुछ लिखना सिखाया था, इसको तोड़ना सिखाया था मैंने, इसको हम लिखते हैं 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर सॉरी 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। देखो कितना इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला भी याद रखना, टी आर थर्टम आएगा यहां से, आर अपॉन 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब तुम अगर कोशिश करोगे थोड़ा सा अकल लगाओगे तो ये आर जो है ना इन दोनों के डिफरेंस में टूट जाएगा। देखो ये भी एक तरीका है तोड़ने का, दिस माइनस दिस करोगे, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, या दिस माइनस दिस, कोई भी दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दिस माइनस दिस कर लेना, तो आर स्क्वायर कट जाएगा, 1 1 भी कट जाएगा, और आर ऐड होके क्या आ जाएगा 2R, ऊपर क्या था आर, तो क्या करना पड़ेगा 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर अलग अलग करके ऑल्टरनेट टर्म्स पुट करोगे, टर्म्स पुट करोगे तो ऑल्टरनेट टर्म्स कटते जाएंगे। चलो करता हूं, चलो कर ही लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद पूछ ले। टी आर इज इक्वल टू, मैं टर्म्स अलग अलग कर दे रहा हूं इसमें, 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, ऊपर क्या आ रहा है 2R, तो 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो टी आर आ गया 1/2, इसके साथ अलग करना 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, और इसके साथ अलग करना 1 अपॉन 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर। अब एक एक करके टर्म पुट करके तुम देख लो, मैं करके क्या ही दिखाऊं यार, वो ऑल्टरनेट टर्म्स कटते जाएंगे, ऑल्टरनेट टर्म्स कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा, करके देख लो खुद ही, लिख लो आराम से। लास्ट वाला क्वेश्चन बस मैं करके दिखा देता हूं फाइनल आंसर तक। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस, हमको सेकंड टर्म निकालना है, काम खत्म, बस और क्या पढ़ू, तो सम दिया हुआ है, सेकंड टर्म निकालना है, तो बस प्लान यही है कि मैं उसमें, देखो और भी तरीके हैं करने के, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, याद होगा तो टी एक फॉर्मूला लिखाया था, एस एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन, सॉरी Tn is equal to Sn minus Sn minus 1, ठीक है, मुझे कौन सा टर्म चाहिए T2, तो मैं यहाँ पे T2 निकालने के लिए लिखूंगा S2 minus S1, ठीक है, S2 क्या आएगा, S2 यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो क्या आएगा 1 plus 2 T2, 1 minus T2 minus S1 क्या आएगा 1 plus 2 T1, 1 minus T1, ठीक है। अब देखो T1 निकालना बहुत आसान है, तुमको याद होगा मैंने बताया था कि S1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस 2 T1 1 माइनस T1, है ना, यही आएगा ना S1, S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म सेम ही होता है, वो T1 के इक्वल आएगा, इसको सॉल्व कर लो आराम से, T1 निकाल लो, T1 निकाल के यहाँ डाल देना, तुमको T2 में एक रिलेशन मिल जाएगा, सीधा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगा के T2 निकालना, वो आएगा T2 का स्क्वायर क्या आएगा वो लिख देता हूँ, 4 माइनस रूट 2 बाई 4, पता नहीं शायद ऐसे ही आएगा, नहीं 2 माइनस रूट 2 बाई 4, ये एक्चुअली होता है रूट 4 माइनस रूट 2 बाई 4, उसको तुम कंपेयर कर लो, A4 मिल जाएगा, B2 मिल जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कोई हेल्प नहीं करूँगा मैं, इतना ही फास्ट बताऊँगा, ठीक है, ये 6 सवाल कर लो अपने, कल कंटिन्यू करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज को ही।